हेलो गाइस, वेलकम टू फूडी बस एक्सप्रेस। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ इडली। इडली सांभर की जगह पे आप स्टफ इडली ट्राई करिए, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं स्टफ इडली। एक बोल में हमने 1 1/4 कप सूजी ली है। सूजी हमने पतली वाली लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप मोटी सूजी को ग्राइंड करके यूज़ करें। इसमें डालें 3/4 कप दही। जितनी सूजी है उसका हाफ हमने दही लेना है। दही और सूजी का यही रेशियो आप सूजी की कोई भी डिश में फॉलो कर सकते हैं, जैसे सूजी ढोकला, सूजी इडली, सूजी अप्पम। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लेमन जूस और 1 कप पानी। उनको अच्छे से मिक्स करके हमें ये बैटर 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए कंसिस्टेंसी, इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अब हम इसको अलग से रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। एक पैन को हमने गैस पर रख दिया है। गैस का फ्लेम हमने स्लो रखना है। पैन में 3 टेबलस्पून तेल ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ड्राई मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 बार अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज अनियन पतला कटा हुआ। अनियन को अच्छे से सौते कर लेना है। अनियन को हमने 1 मिनट के लिए ही पकाना है ताकि उसका कच्चा स्मेल चला जाए, अनियन का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी, 4-5 पत्ते कटे हुए कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून पतला कटा हरी मिर्च। 1 बार अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें ऐड करेंगे मैश किए हुए बॉयल आलू। 3 से 4 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू अच्छे से मैश करके इसमें डालना है। और अब डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट और बहुत अच्छे से आलूओं को मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है गाइस। ये देखिए मिक्स हो गए। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और 1 बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें। हमारी स्टफिंग रेडी हो गई गाइस। अब इसे अच्छे से ठंडा कर देना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और अच्छे से स्टफिंग को ठंडा होने दें। स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे कटलेट्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से छोटी साइज के कटलेट रेडी करने हैं। ये कटलेट हमारे रेडी हो गए हैं। आपको मोल्ड में रखकर दिखाते हैं। ये देखिए इतनी साइज के कटलेट होने चाहिए मोल्ड के अकॉर्डिंग। सूजी के बैटर को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इडली के पॉट में हमने 1 से 1.5 कप पानी डालकर उसको गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। इडली मोल्ड को हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। सूजी के बैटर में 1/2 टेबलस्पून ऑफ इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करें। इनो को एक्टिवेट करने के लिए 1 टेबलस्पून ऑफ पानी का यूज करना है। पानी डाल के इनो को अच्छे से सूजी में मिक्स कर लें। हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा बीट ना करें। अब इडली मोड लेंगे। 1 फुल स्पून ऑफ सूजी बैटर डाल दें। फुल टेबल स्पून ऑफ सूजी बैटर हमने डालना है। अब 1-1 कटलेट हम मिडल पोर्शन में रख देंगे। ऊपर से फिर से हमने
1 फुल स्पून ऑफ इडली बैटर डालकर कटलेट को कवर कर देना है। कटलेट को अच्छे से कवर कर दें। ये देखिए मोल्ड सेट हो गया है। अब हम इसे आराम से प्रीहीट किए हुए इडली पॉट में सेट कर देंगे। पॉट को कवर कर लें, 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर रहने दें। 10 मिनट बाद चेक करें। ये देखिए हमारी स्टफ इडली बेक हो चुकी है। गैस फ्लेम ऑफ कर दें, इडली को अच्छे से ठंडा होने दें, बाद में डीमोल्ड करें। इडली रेडी हो गई है, अब हम तड़का लगाएंगे। स्लो फ्लेम पर पैन गरम करें, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। ऑयल गरम हो जाए तो 1/2 टेबल स्पून राई डाल दें। कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, कड़ी पत्ता डाल दें। अब 1 by 1 इडली डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इडली टूटे ना। तो ये हमारी स्टफ इडली रेडी हो चुकी है। हम इसे गार्निश करेंगे और अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करें। सो गाइस, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।